जे बच्चा हल्ले नथा सिखन वो लेट वॉक करन ता हिप भारी उनता दर्द जी जी सो जी उमूमन विटामिन डी इंजेक्शन लगन ता ने ये करा ऑर्थोपेडिक से वटे चक्कर लगाइना ने पीडियाट्रिक वटे चक्कर लगाइना ने वो रिकमेंड करता ई क्रो वजह है क्रो पांजी डाइट में एडी कोता ही है पांजी माए जी तरफ से के वो बच्चे बच्चा इनसे सफर करन ता वजह से पहले ता ही बताना चाहिए कि जो मसलो है विटामिन डी जो है बिल्कुल सही रेस कर या इंजेक्शन लगन था या दवाई गिनन था तो बच्चा सही थी था। मसलो हाँ शुरू थे पाँच लाइफ स्टाइल चेंज थी वे पा घरें से पा अपार्टमेंट में शिफ्ट थी रहे पाँ सन एक्सपोजर जो चुआ है तो वो बहुत कम थी वो है पाँच डाइट जो है चेंज थी रही है पहले पाँची जो डाइट होनी हुई मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह ये साथ होनी हुई आने पाँच सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हुई जो इनके ख़राब करें थे जे वाली डाइट थी रही है तो अरे प्रॉब्लम जो बच्चे में शुरू थी है वो बच्ची पैदाई से पहले से शुरू थी है आखिरी जो मदर है वो पहले से ही डेफिशेंट है। आई आई खाली पाकिस्तान की खाली सर्वे ना ना उनमें जो आई रिपोर्ट ना 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 80 से 90% जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वाइटामिन डी डेफिशिएंसी से गुजरी रही है। नॉर्मल पॉपुलेशन में जो कमी है आखिर जो मदर है वो पहले से कमी है पर थोड़ा प्रेगनेंट थी थी बच्चों इनके पेट में अच्छे तो होते ही जरूरत जो पूरी नहीं करी सकी वो पेट में बची जरूरत की पूरी कर अरे पाँच सा एरो सेटअप है कि जने वो पेट में हुए तो बच्चों वो होते ही डाइट बेहतर न थी करें वाइटामिन डी वाली प्रोडक्ट्स पाँच खबर होनी तो पाखे ना तो आप मुझे समझा ले चाहते कि आई वाइट चीज़ों खाओ दूध दही मुर्गी मछली अंडे सफ़ेदी अच्छा बदे वाइट चीज़ हुई बदे में वाइटामिन डी फुल है कैल्शियम से फुल है तो आई इन्हें इस्तेमाल करो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने के वाइटामिन डी एक्स्ट्रा डोज गिनना अपन जो मुश्किल से कोई जो सारा गायनेकोलॉजिस्ट वटे उन्हें थी वो प्रेगनन थी वो ये बेहतर थे तो पाँची स्टडी ना अमेरिकन वाली स्टडी उन्हें चुनता कि अगर कोई माँ के अमल के दौरान डेफिशेंसी होनी उनकी औलाद में 2 साल तक कमी रहनी तो 2 साल में बच्चों जमीन से वडो थे तो हले तो स्कूल होने थे तो उन तक उनकी कमी रहनी तो आई पाँची स्टडी ने अंग्रेजी स्टडी तो रिलायत तो इनको मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन डी कमी पूरी कर तो वो पहले प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चों पैदा थी तो उन्हें तो उनके मदर फीड थे तो अप टू 4 to 6 मंथ आए तो लेटेस्ट रिकमेंडेशन जो है वो 6 मंथ तक माँ जो खीर पी रही है अगर माँ जी खीर मत है रेनो ने माँ ये खीर में वो प्रोडक्ट नहीं हो तो बच्चे में कितना से आए मैं ये बता रहा हूँ कि माँ है जो खीर पी रही नहीं हो ना कैल्शियम जी वो गोली रोजाना खेनी है मुश्किल से अकड़ी याद होनी बाकी तो हो गए हफ्ते में हाँ याद अच्छी तो डी में वो कैल्शियम की गोली इनके खेनी जरूरी है विटामिन या प्रॉपर डोज उनके गिनना जरूरी है ताकि वो पोते ही रिक्वायरमेंट तो पूरी करे पोते बच्चे की पूरी करे जिनकी वजह से जो आई बता रही है मसला बच्चा उभार न था थी वेन न था पे उन्हें इंजेक्शन लगा।